मिलाकर 5 सीटों पर यहां रुझान मिल रहा है, एक का नतीजा आ चुका है। अब हम इनको रुझान ही अगर आगे कहते हुए चले तो एनडीए 5 सीटों पर आगे, इंडिया गठबंधन 2 सीटों पर आगे। बड़ी खबर महाराष्ट्र में 2 सीटों का रुझान है, एनडीए 2 सीटों पर आगे। इसके अलावा गुजरात की 26 सीटों में बीजेपी 1 सीट पर आगे चल रही है। लद्दाख की भी 1 सीट, अभी उसका रुझान आना बाकी है। तो 5 सीटें जिस पर बीजेपी एनडीए आगे बढ़ती हुई, और इंडिया गठबंधन 2 सीटों पर बढ़त बनाए हुए। तमिलनाडु की 2 सीटों पर इंडिया गठबंधन आगे चल रहा है। तो रुझान देखिए, बहुत तेजी के साथ ये रुझान आएंगे, और उसी तेजी के साथ ये रुझान से लेकर आखिरी परिणाम तक आप बिल्कुल ये रुझान है। दर्शकों को बता दें क्योंकि 8 बजे रुझान आना शुरू हो चुके हैं, और एनडीए आगे चल रहा है रुझानों में। 5 सीटों पर एनडीए आगे, 2 पे इंडिया गठबंधन, और जाहिर तौर पर विकास जी से मुझे लगता है कि टिप्पणी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। जाना विकास जी, श्री गणेश हो गया है। बीजेपी के प्रवक्ता विकास जी हमारे साथ जुड़े हुए, आपको ऑडियो मिल रहा है सर? चलिए मैं उनका रुख करूंगी, लेकिन इन सबके बीच में अपने दर्शकों को बता दें कि 542 सीटों की गिनती शुरू हो चुकी है, और सबसे पहला रुझान आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। एनडीए 5 सीटों पर आगे चल रही है रुझानों में, अब 2 सीट, एक और सीट बढ़ गई है, और इंडिया गठबंधन 5 सीटों पर रुझानों में आगे है। जी हाँ, 14 लोकसभा सीटों के जो रुझान इस वक्त आ रहे हैं, तो उसमें से एनडीए 9 पर आगे, इंडिया गठबंधन 5 पर आगे। तो देखते हैं कैसे कैसे ये रुझान आगे बढ़ते हैं, और इसको लेकर लगातार आपको बता दें जिस तेजी के साथ ये रुझान आएंगे उसी तेजी के साथ इस टैली में परिवर्तन होता रहेगा। 11 पर एनडीए आगे, 6 पर इंडिया गठबंधन आगे चल रहा है सीधा। सबसे पहले मैं विकास बारहट वही सवाल कि एक तो मोबाइल लेकर आपके कार्यकर्ता अंदर पहुंच गए, उसका जवाब, और देखिए 11 पर एनडीए आगे 17 में से। देखिए, सबसे पहले तो जो सीटों का रुझान आया है उसके लिए मैं देश की जनता को बधाई देता हूं कि उन्होंने एक बार फिर से जो है वो सशक्त सरकार भारत के लिए नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चुनने के लिए अपना एक कदम आगे बढ़ा दिया है, उसके लिए पूरे देश की जनता को आपके माध्यम से बधाई। दूसरा सवाल रविंद्र भैया जो आपने पूछा मोबाइल और बम के कंपेरिजन के लिए, तो मैं कांग्रेस के मेरे साथी प्रवक्ता की संवेदनहीनता को सलाम करता हूं कि उन्होंने जिस प्रकार की बात कही है वो सच्चे मायने में राहुल गांधी के समर्थक यहां पर लग रहे हैं। एक जगह पर पंप फट जाना और एक कार्यकर्ता की जेब में मोबाइल पा जाना, दोनों चीजों की जो तुलना उन्होंने करी है, मैं आपके दर्शक भी देख रहे होंगे और आप भी कम से कम कह नहीं सकते, लेकिन महसूस तो आपने भी किया है कि किस प्रकार की संवेदनहीनता का परिचय ये टीवी स्क्रीन के ऊपर दे रहे हैं। तीसरा, मैं आपके माध्यम से इनसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि अगर राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा रूल्ड सरकार के अंदर एसपी साहब ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को पकड़ लिया, तो आप ये तो मानते हो कि सरकार और चुनाव आयोग निष्पक्ष है? आपके माध्यम से रविंद्र भैया से पूछिए। पूछ रहा हूं बताएं डॉक्टर प्रदीप, 20 पर एनडीए आगे, इंडिया गठबंधन 9 पर आगे, मोबाइल बीजेपी के कार्यकर्ता का, एजेंट का अगर पकड़ा गया है, काउंटिंग एजेंट का, तो फिर ये तो चुनाव आयोग की सक्रियता ही है। सवाल यह है कि उस अधिकारी को मैं शाबाशी देता हूं जिसने प्रयास किया है। बाकी बहुत सारे ऐसे काम देखा है आपने कि चुनाव, मुख्य चुनाव आयोग ने जिस तरह का व्यवहार देश के मतदाताओं के साथ किया, विपक्षी पार्टी ने जिस तरीके से उनके साथ शिकायतों का अंबार लग गया, लेकिन उन्होंने कल अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस तरह का अपना महिमा मंडन किया, सारा देश देख रहा था, हंस रहे थे लोग। आज सवाल इस बात का कि मुख्य चुनाव आयोग खुद प्रश्नों के घेरे में है, उन्होंने जो कुछ भी कहा उनको मेल नहीं खा रहा है। जिस तरह की बात वो कर रहे हैं, उनके पास 1700 कंप्लेंट राजनीतिक दलों की विपक्षी दलों की पड़ी है, उनका कोई उन्होंने निस्तारण नहीं किया, लेकिन अपना महिमामंडन जिस तरह से प्रधानमंत्री अपना महिमामंडन करते हैं उसी तरीके से चुनाव आयोग, मुख्य चुनाव आयोग अपनी प्रशंसा में जो लीन है। तो सवाल यह है कि जो प्रश्न पूछे गए उनको भी टाल गए, जो जिम्मेदारियां थी उनको भी टाल गए। मुख्य चुनाव आयोग को कहना पड़ा कि पहले आप इलेक्टोर जो दिए गए हैं पेटी द्वारा उसको उनकी गलती की जाए, जिनका वो विचार ही नहीं था। सवाल यही है कि मतगणना करने के लिए उनसे कहा गया कि पहले जो मतदान डाक से आए हैं उनको गिना जाए, उसका परिणाम घोषित किया जाए, उसके बाद आप ये विचार करें। तो उन्होंने कल पीवी जी ने जानकारी दी कि वो इस बात को मान गए हैं। तो सवाल यही है कि वो अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाते हुए
अपना महिमा वर्णन कर रहा है, ये पहले मुख्य चुनाव आयुक्त है इस देश में, शेषन भी रुझान आ गए 38 पर एनडीए आ गए, इंडिया गठबंधन 15 पर आ गए। और इस पर मुझे लगता है राकेश जी से जरूरत है, राकेश जी बैलेट की भी गिनती हो रही है, अभी ईवीएम के वोट की गिनती शुरू नहीं हुई है, पोस्टल बैलेट जाहिर तौर पर तमाम लोग जो की सरकारी कर्मचारी होते हैं, जवान होते हैं भारतीय सेना के, उनका ये कहीं ना कहीं पोस्टल बैलेट के जरिए वोट होता है, तो इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? क्योंकि बहुत तेजी से आगे एनडीए आगे बढ़ रहा है, टैली लगातार आगे बढ़ रही, अपडेट हो रही है। राकेश जी का ऑडियो मुझे नहीं मिल रहा है, राकेश जी का हम रुक करेंगे, लेकिन बैलेट पेपर से मतगणना होने जी पे भी अगर एनडीए आ गए हैं तो वो कयास खत्म हो जाता है कि ईवीएम में कुछ गड़बड़ की गई है ईवीएम से, और सरकारी नौकरी में जितने भी लोग हैं जो प्रशासनिक कार्यों में हैं, इससे सेना में है, इससे स्पष्ट है कि उनका जो रुझान है, उनका जो झुकाव वो एनडीए नरेंद्र मोदी की तरफ है। और जितने भी देखिए लास्ट में जितने भी हमने सर्वे देखे हैं आज तक, पिछले साल से हम इस चीज को देख रहे हैं कि अगर देश की जनता प्रधानमंत्री के रूप में अगर किसी को देखना चाहती है तो लगभग 60-65% लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपनी पहली पसंद बताया था, और अगर राहुल गांधी का आंकड़ा देखें तो लगभग पहले वो 8-9% पे थे, उन्होंने जब न्याय यात्रा शुरू की थोड़े से उनके रेटिंग में सुधार हुआ, तो फिर भी वो 15-16% से आगे नहीं बढ़ पाए। और नरेंद्र मोदी जी के राहुल गांधी शंका, डॉक्टर प्रदीप के जो सवाल है इलेक्शन कमीशन को लेकर, इस पर क्या कहेंगे? देखिए ये भ्रम फैलाया जा रहा है, क्योंकि अब हार का ठीकरा किसी को फोड़ना किसी के ऊपर तो है, तो अब इलेक्शन कमीशन को उसका जिम्मेदार ठहरा दिया गया है, ईवीएम को भी ठहराया गया, दो दिन पहले जितने भी जो एग्जिट पोल आ रहे थे तो न्यूज चैनल्स के उनके ऑनर्स को उन्होंने बड़ा मतलब इस तरीके से एक नैरेटिव फैलाने की कोशिश की कि ये सब पेड है या इस तरीके से मैनिपुलेटेड है, पर उससे फर्क कुछ नहीं पड़ता। आज वो चीजें स्पष्ट हो जाएंगी कि देश की जनता ने किसको चुना है, लोकतंत्र की जीत है, और यही खूबसूरती है लोकतंत्र की। जी मेरा सवाल यहाँ पर है कि टैली बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है एनडीए की, और देखिए रुझानों में आपसे बहुत आगे है, 60 पर एनडीए आगे है और इंडिया गठबंधन 25 पर आगे है, इस पर आपकी टिप्पणी कैसे जाते हैं प्रदीप जी? आपसे मेरा सवाल है, अभी गोयल साहब ने फिर कह दिया है कि हार रही है तो ठीकरा फोड़ रहे हैं, गोयल साहब आप राजनीतिक विश्लेषक है, अभी परिणाम नहीं आया है, इसलिए आप अपनी जो टिप्पणियां काबू रखें, अभी बहुत समय बाकी है, आप भी ऐसी टिप्पणी ना करें, अभी परिणाम नहीं आया, आप उससे पहले इलेक्शन कमीशन को ठीकरा फोड़ रहे हैं, आप पार्टी ना बनाएं, आप शुरुआत करते हैं, जब आपको कोई जवाब मिलता है तो आप बौखला जाते हैं, आप अपना आत्ममंथन नहीं करते, आपके कारण क्या है, आपके बड़े नेताओं ने चुनाव लड़ने के लिए मना कर दिया, बेमन से आप चुनाव लड़ते तो आप जीतेंगे कैसे? पता नहीं है, आप पार्टी कार्यकर्ता नहीं है, आप विश्लेषक है, आपको दोनों की बात सुननी होगी, मैं विश्लेषण करके बता रहा हूँ, आपके बड़े नेताओं ने इलेक्शन लड़ने से मना किया, बेमन से चुनाव लड़ा, आज परिणाम सामने है, रुझानों पर टिप्पणी कर दीजिए, बहुत पीछे चल रहे हैं रुझानों में आप, आगे बढ़ रही है 73, राजनीतिक गड्ढा चढ़ा उसकी बात कीजिए, आप हार के परिणाम की बात कैसे कर रहे हैं जबकि अभी परिणाम आने शुरू नहीं हुए, और आप उसे भी मैं परिणाम की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ आपको आंकड़े बताना चाह रहा हूँ कि अगर 79-32 का आंकड़ा है तो 1/3 का आंकड़े पे आप खड़े हैं, कब तक सच्चाई से भागेंगे? आप भाजपा के कार्यकर्ता हैं प्रदीप जी, मैं कोई भाजपा कार्यकर्ता नहीं हूँ, सुनिए बहस में ना जाइए, आज की बात कर लेते हैं, टैली की बात कर लेते हैं, इससे बड़ा दिन क्या होगा, रुझान आना शुरू हो चुके हैं सर, 86 पे बहुत तेजी से आगे रुझानों में एनडीए और 36 पर इंडिया गठबंधन। डॉक्टर प्रदीप मेरा सवाल आपसे यह है कि पश्चिम बंगाल के दो रुझान आए हैं, दोनों पर बीजेपी आ गया, दिल्ली के दो रुझान आए, यहाँ पर भी दोनों पर बीजेपी आ गया, गठबंधन काम नहीं कर रहा करता हुआ दिख रहा है रुझानों में। आपने बोल दिया कि अपने आप पर काबू रखे, ये राजनीतिक विश्लेषक है, भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता बैठा है मेरे साथ, वो बोलेगा, उसकी बात भी सुनिए, वो गंगा की बात कर रहा है, ठीक है, एक मिनट राकेश जी, राकेश जी प्लीज एक मिनट, डॉक्टर प्रदीप मेरा सवाल है, अच्छा चलिए विकास जी आप ही से सवाल है, दिल्ली की दो सीटों पर बीजेपी आ गया है जो रुझान मिल रहे हैं, पश्चिम बंगाल के दोनों रुझानों में बीजेपी आ गए, और यही सवाल फिर आपसे डॉक्टर प्रदीप। हाँ, पहले ही कह रहा था कि इंडी अलायंस ने देश के तमाम भ्रष्टाचारियों आतताइयों को जोड़ के एक प्रकार का ये घमंडिया गठबंधन जो बनाया था,
इसको किस प्रकार देश की जनता ने, देश की सशक्त सरकार, देश के प्रधानमंत्री जी से तुलना करके जब देखते हैं तो कहीं आसपास भी ये खड़े नहीं हो पाते। जिस व्यक्ति ने अपना संपूर्ण जीवन देश हित के लिए समर्पित कर दिया और एक परिवारवाद और स्वयं के निजी हितों से जुड़े हुए लोगों का गठबंधन अगर उनकी बराबरी करने के लिए चुनाव में उतरता है तो उसको किस प्रकार जनता उसको जो है मतदान के माध्यम से जवाब देगी, इसकी वानगी आपके इन जो आंकड़े आ रहे हैं इनके माध्यम से है। दिल्ली में देखिए किस प्रकार शराब नीति हो चाहे अन्य घोटाले हो, क्या लूट करी गई और फिर उस जो इनको शर्म आनी चाहिए कानून के द्वारा, जो इनको इनको कोर्ट के द्वारा जो है वो इनको जमानत नहीं दी गई जेल में जब ये पड़े रहे, उस चीज का प्रचार करके इन्होंने सोचा कि ये सहानुभूति बटोर कर दिल्ली की जनता को भ्रमित कर देंगे। लेकिन दिल्ली की जनता ने ये सिद्ध कर दिया है कि वो विकासवादी और राष्ट्रवादी विचारधारा के साथ है, ये इसी का परिणाम है। और बंगाल में तो खुद अभी प्रदीप चतुर्वेदी जी ने अपनी खुद की कलई खोल दी, खुद ही यहाँ बैठ के बता रहे हैं कि वहाँ बम फूट रहे हैं। ठीक है ठीक है, राजस्थान का भी मैं जरा अपने दर्शकों को आंकड़ा दे दूं कि 9 सीटों पर रुझान आ चुके हैं जिसमें 8 जो है यहाँ पर बीजेपी आगे चल रही है और 1 पर इंडिया गठबंधन आगे चल रहा है। इस पर प्रदीप जी आपकी टिप्पणी। मुबारक को बोनी शुरुआत है और चूंकि सत्ताधारी पार्टी है उनकी सुविधा के रिजल्ट खोले जा रहे हैं, इसलिए अभी इंतजार कीजिए, अभी इंतजार कीजिए। 25 सीटें हैं अभी सुविधा अनुसार खोले जा रहे हैं, ये मेरा मानना है, लेकिन वक्त आने पर समझाएं परिणाम हमारा समझाएं। डॉक्टर प्रदीप कैसे सुविधा अनुसार थोड़ा समझाएं, जहां जहां भाजपा को लीड करी उम्मीद है बीजेपी खोली है उनके परिणाम से ज्यादा आगे आने लगे। तो फिर तो अगर आप ये डाउट कर रहे हैं फिर तो जो है आगे भी उनकी सुविधा अनुसार ही होगा, फिर आप ये कहना चाह रहे हैं क्या? हो रहा है ना, चुनाव आयोग कर रहा है ना, चुनाव आयोग किया नहीं क्या? कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखिए क्या कहा उन्होंने, उन्होंने अपने अपने महिमा मंडन किया, उन्होंने किसी की अपोजिशन पार्टी किसी कंप्लेन का निस्तारण नहीं किया। और दूसरी बात देखिए कि जिस तरह की बात कर रहे हैं, उन्होंने चुनावी बात कही कि साहब 1 महीने पे खत्म हो जाना चाहिए था, तो उन्होंने तो प्रधानमंत्री की सोचा के अनुसार चुनाव आया था। अच्छा, मुझे बात बताइए, प्रधानमंत्री की बात बताइए, प्रधानमंत्री की सहूलियत दिया है 2.5 महीने चुनाव देगा, ये उन्होंने खुद स्वीकार किया।